हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपको विजिट वीजा में आना चाहिए या फिर वर्क वीजा में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो मुझे बना देना चाहिए इसके ऊपर कि जब आप दुबई के लिए आ रहे हैं तो आपको विजिट वीज़ा में आना है या वर्क वीज़ा में, ठीक है। तो देखिए, दोनों का पर्पज़ अलग है। सबसे पहले दोनों का पर्पज़ आपको समझना पड़ेगा। विजिट वीज़ा होता है विजिट के लिए, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जॉब सर्च तक कर सकते हैं, उसके बाद वाला प्रोसीजर आप विजिट वीज़ा में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है, जो जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जॉब करना, वो होता है आपका वर्क वीज़ा। तो अब आपको समझना होगा कि आपको क्या जॉब लग गई है या फिर यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे। अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप विजिट वीज़ा लेके आइए। एटलीस्ट 2 महीने का विजिट वीज़ा आप जरूर से लेके आइए, 1 महीने के विजिट वीज़ा में मत आइए। 2 महीने के विजिट वीज़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जॉब सर्च करने में अभी जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। एवरेज की बात करें अगर तो 1 महीने में नहीं होगा, आपको एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा। उससे बेटर है 2 महीने के विजिट वीज़ा में आइए, एक्सटेंशन का झंझट नहीं रहेगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। और ये भी रहेगा कि अगर आपको कंपनी कुछ दिन विजिट वीज़ा में काम करवाती है तो उसी विजिट वीज़ा में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक के लिए आपको विजिट वीज़ा में काम करना है, लेकिन कुछ दिन देखती है कंपनी तो ठीक है, 5-6 दिन आप उसमें काम कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्पस। अब अगर आपकी जॉब पहले से लग गई है, यानी कि आपने किसी एजेंट के थ्रू जॉब ली है, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब ली है, या खुद आपने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आप अपने होम कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, तब मैं बोलूंगी कि इस समय पे मार्केट सीन ऐसा है कि आप ज़रूर से वर्क वीज़ा में ही आइए। कंपनी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेगी, साइन करके भेजिए, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ये सारे प्रोसीजर हो जाएंगे तो कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई कर देती है या कंपनी अपने स्पॉन्सरशिप में आपको एंट्री परमिट देती है, ठीक है। उसमें जो स्पॉन्सरशिप होगी वो आपकी कंपनी का नाम होगा। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अगर एंट्री परमिट भी भेजती है तो उसमें आपका ही कंपनी जो है, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। कोई अदर स्पॉन्सरशिप में बिल्कुल भी मत आइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं या आपका इंटरव्यू भी हुआ है, तो अगर स्पॉन्सरशिप अलग है और यहाँ आके कुछ भी प्रॉब्लम आपको होती है, जैसे जॉब नहीं मिलना या जॉब मिल जाती है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है या वीज़ा नहीं लग रहा है, अगर आपकी कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो यहाँ पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते कि हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है। इसलिए अगर आपकी जॉब पहले से लग गई है, बेटर है, बेस्ट है कि आप वर्क वीज़ा में आइए। एजेंट से डायरेक्ट, आप तो एजेंट को पैसा देंगे ही, उनसे वर्क वीज़ा लीजिए डायरेक्ट। कंपनी है तो कंपनी के स्पॉन्सरशिप का एंट्री परमिट लेके आ सकते हैं। तो ऐसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको दुबई आना है तो कौन से वीज़ा में आना आपका बेस्ट रहेगा। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।